NIA has made a key arrest the uh, accused in the 2023 London high commission attack has been arrested the, NIA the attack on the mission was part of a larger conspiracy and Indipal Singh now has been arrested for the attack केस करना और बोलो कि दस दस मिलियन रखवाओ इनसे इनकी कुर्की करवाओ इनका घर बिकवाओ उनको सड़क पे और जीवन भर इनको नौकरी न मिले हम अभी तक ऐसे हैं जो इनके फॉलोअर्स हैं, वो जो चाहते हैं कि ये रहे देखो यार एक हजार साल हमने इनके ऊपर हुकूमत की है इनको हमने क्या नहीं किया है तो अब इन लोगों की सोच रहे हैं अब इनकी बारी आई है भोकने तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये बड़ी एक अजीब सी कंडीशन है बहुत सारी चीजें भी खुलनी है खुल के सामने आनी है कि हुआ क्या है इस तमाम अरसे में गनमैन दोस्त हैं अब दुनिया भर में हैं हमारे इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं भारत के वेल विशर्स हैं अपने आप ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं भारत के लिए जब से अज्ञात वाले आए हैं तब से पता नहीं क्यों इतना लिया को घरों 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 के 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 अंदर के बाहर खुद के के, इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है बरतानिया में आप तस्वर कर सकते हैं कि वहां पर जो है वो हुकूमत तब्दील हो जाए वजी और वो जो है वो एक अंडरग्राउंड स्टेशन बंद दें तुम्हें ठोकने का प्लान तो था तुम्हें ठोके जाने का इम्कान भी था लेकिन ये ये बात मैं में बता चुका हूं। अब ये जो इन्होंने हमसायों के साथ हाथ मिलाने के हवाले से की है खास पर उन्होंने भारत का भी नाम लिया है देखें भारत के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुक हैं हम उसको दो दोवियों से देखते हैं एक आपका जो है इकोनॉमिक उसके हवाले से जो रिलेशन हैं और दूसरा पोलिटिकल जो है क्या कर रहे हैं पाकिस्तान को क्या कर रहे हैं हम कैसे तैयार हो रहे हैं हम अपने आप को क्या कर रहे हैं बड़ा बंदा पकड़ा गया है जिसका नाम है इंद्रपाल सिंह गाबा अगर हम इकोनॉमिक रिलेशंस को दोबारा से बहाल करते हैं तो नो डाउट इसमें पाकिस्तान का बहुत ज्यादा इसमें फायदा होगा waste of time, ये सोचना मोदी को क्या करेगा क्या नहीं करेगा जाहिर है दुश्मन है वो वही सोचेगा जो दुश्मन सोचते नमस्कार दोस्तों जय हिंद लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर हमले के मामले में एनआई ने एक मुख्य आरोपी खालिस्तानी आतंकवादी इंद्रपाल सिंह खाबा को गिरफ्तार किया है ये हमला पिछले साल मार्च में हुआ था विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले खालिस्तानी तत्वों को खिलाफ फिर से एक्शन शुरू हो गया है केंद्रीय एजेंसी की ओर से बताया गया है कि मामले में एन की जांच में अब तक पता चला है कि पिछले साल 19 और 22 मार्च को लंदन में हुई विरोध प्रदर्शन की घटनाएं यूं ही नहीं हुई थी ये भारतीय मिशन और उसके अधिकारियों पर हमले करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था हमले की घटना को अंजाम देने के लिए प्रदर्शन की आड़ में ली गई थी एन के बयान में यह भी कहा गया की हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे खालिस्तानी आतंकवादी अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस की ओर से अठारह मार्च दो को की गयी कार्रवाई के बाद लंदन में बैठे खालिस्तानी आतंकवाद ने बदला लेने की योजना बनाई थी दुनिया भर में खालिस्तानी छुपते फिर रहे हैं। क्योंकि इन खालिस्तानियों, को के चले जा रहे हैं। खालिस्तानियों ने हमला करा था अटैक करा था और उसके बाद हमारे प्यारे तिरंगे को नीचे उतारा था वही गाबा गाबे को ने धर लिया है और उसका स्वैग से स्वागत हो रहा है जब से ये अज्ञात वालों का मैटर चला है ना ये तब से खालिस्तानी घर के अंदर चुपचाप बैठे अब जो बड़ी बड़ी ये लोग रैलीज निकालते थे हजार दो हजार खालिस्तानी बोर्ड लेके है ना भारत के खिलाफ ये पता नहीं कहां चले गए कहां चले गए किसी को कुछ नहीं पता कहां गायब हो गए अब हैं वो पांच सात कभी लहरा जाते हैं बीच बीच में वो बड़ा मोमेंटम इनका खत्म हो गया और जो भी अज्ञात वाले कर रहे हैं भैया तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो यार जीते रहो बेटा जीते रहो खालिस्तानियों को यही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए इनको ढूंढ ढूंढ के गुड नाइट बोलो तब जाके ये अपनी औकात में रहेंगे दोस्तों तो कई सारी चीजें हैं आज जो मैं आपको बताऊंगा लेकिन ये जो पूरा मैटर था ये जो मार्च में अटैक करना हमारे हमारे हाई कमीशन पे और जगह अमेरिका में अट, ये सब क्यों हुआ कारण क्या था इनका कारण सिर्फ ये था कि इतना ज्यादा प्रेशराइज करो इंडियन गवर्नमेंट को इतना ज्यादा प्रेशराइज करो हर जगह जहां पे खालिस्तानी है अटैक करते रहो अटैक करते रहो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो अगले हफ्ते नहीं तो अगले महीने एक प्रेशर लाओ भारतीय सरकार पे और इतना प्रेशर लाओ कि फिर भारतीय सरकार मजबूर हो जाए इनसे बात करने में और फिर जो भी इनकी मांगे हैं वो पाकिस्तान से ना है ना खालिस्तानी के बच्चे सबके सब वहां से फिर ये भारत सरकार को तोड़ना मोड़ना शुरू करें और भारत से अपनी मांगे कि ये जब जाते हैं सड़क पे चलते हुए दोस्तों तो पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं कि पीछे कोई आते तो नहीं रहा इनका ये हाल हो गया है। ये इतना डर इतना खौफ के अंदर इतना खौफ इतना ज्यादा खौफ अब देखिए वहां पर हुआ क्या ये जानने की जरूरत है मैं लंदन की बात कर रहा हूं दोस्तों सबसे पहले एनआईए ने क्या करा कि ये जितने भी खालिस्तानी थे सबकी फोटो इन्होंने अपनी वेबसाइट में डाल दी एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत की प्रीमियर टेरर एजेंसी है एनआईए एनआईए ने डाल दिया एनआईए ने बोला जाओ भैया सबकी नाम सबकी फोटो जब से एनआईए ने अपनी वेबसाइट एक्टिव करी है तब से खालिस्तानियों के आंख से आंसू मुंह से धुआं और कहीं और से भी धुआं बहुत परेशान है खालिस्तानी कि वेबसाइट पे क्यों नाम डाले उनका प्रॉपर नाम डाला है उनकी फोटोग्राफ डाली है उनका नाम बाप के नाम करंट एड्रेस सब कुछ तो पता ही लोग क्या कह रहे हैं खालिस्तानी ये ये एनआईए ने अपनी हिट लिस्ट बनाई है ये सब अपने गुर्गो को बताना चाहता है भारत भारत की ये ये यहां पे रहता है इसको मारो नहीं भारत सिर्फ ये बता, ये सब कुछ करते हैं आप एफ का देख लो एफ का मोस्ट वॉन्टेड आप एफ की वेबसाइट में चले जाओ आपको वहां पर दिख जाएगा तो हमने कर दिया तो कौन सा गलत कर दिया भाई मैं तो घर पे था तो मेरे को मत बोलिएगा बट हमारे जो अननोन गनमैन दोस्त हैं अब दुनिया भर में है हमारे इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं भारत के वेल विशर्स हैं अपने आप ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं भारत के लिए एक भाई साहब जिनका नाम है हाजी अकबर अफरीदी ये कमांडर हैं लश्कर इस्लाम और इनको मारा गया खैबर पख्तवा में लश्कर इस्लाम जबरदस्त आदमी था क्योंकि ये कश्मीरी पंडित को थ्रेटन करता था कि भाई यहाँ से भाग जाओ नहीं तो सब मार दिए जाओगे As a matter of fact, 2014 से ये 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 काम कर रहा था के के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर। मुझे ये बताइए, ये कि क्योंकि दो तीन चीज आपको पता ही है भारत के, भारत की जो थोड़ी सी अभी नेगोशिएशन टैक्टिक चल रही है यूके के साथ जहां पर बात चल रही है भारत ने तो खालिस्तान का इशू सबसे पहले रखा हुआ है ऋषि सुनाक जो आए थे उनको तो बड़ा क्लियरली बोला था भाई साहब ये खत्म करो तो फिर बात आगे चले नहीं तो बात नहीं चलेगी आगे तो क्या अब ऋषि सुना जो बाकी भी लीगल्स को फेंक रहा है उनके साथ साथ एक इसको भी छुपा के एक जहाज में बिठा के भगा दिया उसको पर कि ये लो जी मोदी जी पकड़ लो इसको मैं भेज रहा हूं ये आ रहा है पकड़ लो या तो ये था या हमारी राह की साजिश थी जो पाकिस्तानी बोलते हैं राह की साजिश थी और वो वहां से उसको भलाया फुसलाया गया और लेके आया गया

अननोन गनमैन कौन है क्या है कौन उसके काम कर रहा है मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई जैसा कि आपने देख ही लिया खालिस्तानियों को धीरे धीरे अपने देशों से पूरी दुनिया निकाल रही है इन सब आतंकवादियों की फंडिंग पाकिस्तान करता था आज पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि आज खुद खाने को नहीं है तो उनको क्या देगा जब से एन ने अपने वेबसाइट पे इन आतंकवादियों को फोटो जारी की है तब से ये आतंकवादी खालिस्तानी दिखना बंद हो गए वही दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भी अपने देश से जो गलत तरीके से ब्रिटेन में आते हैं उन्हें भगाना शुरू कर दिया है और जो पहले से आ चुके हैं सबको पैक करके रवांडा डिलीवर कर दिया है अज्ञात लोग वहां भी जब पूरी दुनिया में होते हैं तो वहां पर भी इन आतंकवादी खालिस्तानियों को ठोकेगी आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जय हिंद